रहने के दौरान आपको कोई दिक्कत परेशानी अच्छा है आपको डिपार्टमेंट है मैडम का अच्छा है व्यवहार सबका अच्छा है स्टाफ का भी अच्छा है मैडम का तो बहुत ही अच्छा है। इसमें लेडी का ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है बार बार लगातार इसको एक महीने से कंटिन्यूस ब्लीडिंग चल रहा है तो जब भी आपको लगे कि भाई लगातार ब्लीडिंग हो रही है कोई ऐसी समस्या हो रही है जिसका कि दवाइयों से इलाज नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में एक बार सोनोग्राफी कराकर आप जरूर चेक। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ केस ऑफ फाइब्रॉइड। दिस फाइब्रॉइड इज एज अ यूनिक लोकेशन दैट इज ऑन द सर्विक्स। सर्विक्स इज द आउटर फेस ऑफ द आउटर माउथ ऑफ द यूट्रस दैट इज नोन एज द बच्चेदानी का मुंह, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे एक छोटी गांठ है जिसका 4.5 सेंटीमीटर के आसपास का साइज है। इसमें लेडी का ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है बार बार लगातार इसको एक महीने से कंटिन्यूस ब्लीडिंग चल रहा है क्योंकि जब भी बच्चेदानी के मुंह के आसपास कोई भी बीमारी होती है जैसे कि गांठ बढ़ गई है या फिर कोई मांस बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि भाई लगातार ब्लीडिंग हो रही है कोई ऐसी समस्या हो रही है जिसका कि दवाइयों से इलाज नहीं हो पा रहा है तो इस स्थिति में आप एक बार अपना जाँच जरूर करवा के एक बार कन्फर्म कर लीजिए कि एग्जैक्टली और कोई बीमारी है या नहीं है। अब हम इसका लेप्रोस्कोपिकली इस गांठ को निकालने वाले हैं जिसमें कि जो बच्चेदानी के मुंह के आस थोड़ा सा कट लगाकर उस गांठ को पूरा सेपरेट करेंगे और उसको पूरा बाहर निकाल कर उसको रिपेयर कर देंगे। ऐसे स्थिति में जब भी फाइब्रॉइड होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गांठ के साथ बच्चेदानी निकालनी पड़े, केवल गांठ निकालने से भी काम चल जाता है और आराम से किया जा सकता है और दूरबीन से ये ऑपरेशन अच्छे से पॉसिबल है। थैंक यू। आप ये सब आप बोले पहले क्यों ना बोले जब बोल अभी मैडम बड़ी मुश्किल से लाए हूँ घर ने को धोखा कर दिया तुमने। बुलाया ये बाप बेटा पता चल रही है बढ़िया ना तो अच्छी बात है। आप बताओ ऑपरेशन में दौरान अस्पताल में रहने के दौरान आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई अस्पताल अच्छा है आपको डिपार्टमेंट है मैडम का अच्छा है व्यवहार सबका अच्छा है स्टाफ का भी अच्छा है मैडम का तो बहुत ही अच्छा है।